सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि घर घर में सुख समृद्धि आनंद शांति सद्भाव के फूल खिले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। खैरागढ़ के कानीमेरा गांव में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को किया संबोधित। सभा के दौरान मंच पर कलाकारों ने दी प्रस्तुति। सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा रमन सिंह ने सत्ता में रहते अपने वादों को पूरा नहीं किया। चुनावी सभा के बाद सीएम बघेल का रोड शो, जगह जगह रोड का हुआ जोरदार स्वागत। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी रोड शो में रहे मौजूद। छुई खदान में भगवा झंडा निकालने पर सीएम बघेल का बयान, कहा जहां चुनाव वहां निर्वाचन आयोग करता है काम, रंगों को धर्म से जोड़ना गलत, भगवा त्याग और तपस्या का रंग है, बीजेपी बताए उन्होंने क्या त्याग किया है। पीएम आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनेंगे 21,340 आवास, निर्माण के लिए 664 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 126 शहरों में बनेंगे आवास। ग्वालियर में 15 अस्पतालों के लाइसेंस किए गए रद्द, रजिस्ट्रेशन न करने की वजह से रद्द हुए लाइसेंस, 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख थी। रामानुजगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला में शख्स ने की दुष्कर्म की कोशिश, शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में दो नाबालिगों ने बैंक में पैसा जमा कराने गए बुजुर्गों की जेब से उड़ा 1,50,000 रुपए, चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जशपुर में 1 लाख के गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। रायपुर में स्टेशन रोड के पास प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दतिया में रॉन्ग साइड से आ रही ऑटो ने कार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद ऑटो छोड़कर भागा नाबालिग ड्राइवर। अशोकनगर में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वाहन, हादसे में 2 दर्जन लोग घायल, 1 महिला की हुई मौत। रीवा में वाहन की चपेट में आने से 1 शख्स की मौत, रात भर सड़क पर पड़े शव को वाहनों ने रौंदा। इटारसी में वाहन पार्किंग व्यवस्था के अभाव में लोगों को होती है परेशानी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन सड़कों पर लगता है जाम। बालोदा बाजार में साइबर सेल ने कबाड़ से भरा ट्रक पकड़ा, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर में पुलिस लाइन गेट के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। रायपुर के धरसीवा में लुटेरों का आतंक जारी, राहगीर पर चाकू से हमला कर मोबाइल और पैसे लेकर हुए फरार। खंडवा में राशन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, आरोपी असलम चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिन के हिमाचल के शिमला दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी नड्डा के साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नड्डा 25 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी करेंगे। राहुल गांधी का बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान आया सामने। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के नेता मुझसे नहीं जनता से डरते हैं, प्रदेश की जनता को पार्टी पर भरोसा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर ईमानदारी से जनता के लिए काम किया होता तो इतना खौफ ना होता। यूपी सीएम दफ्तर के ट्विटर हैंडल पर साइबर अटैक, हैकर्स ने सीएम योगी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुफिया विफलता स्वीकार की, कहा शरद पवार के घर पर हमले की सूचना जुटाने में नाकाम रहा खुफिया विभाग। दरअसल 100 से अधिक हड़ताली कार्यकर्ताओं ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
करौली हिंसा पर सियासत गर्माती ही जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान करौली कलेक्टर में धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद किरदोली लाल मीणा ने दावा किया कि डर के माहौल में 195 हिंदू परिवारों ने यहां से पलायन किया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को तेज किया। सरकार हर घर नल से शुद्ध जल सुनिश्चित कर रही है। सरकार का कहना है कि फिलहाल करीब 1,00,000 गांव में हर घर जल की सुविधा है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल से जल पहुंच रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खाने पीने की चीजों की किल्लत को लेकर प्रदर्शन जारी है। राजधानी कोलंबो में लगातार छठवें दिन भी जोरदार प्रदर्शन हुआ।